पहले जैसे आपने कहा कुटवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, और यंग लोग होते हैं वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था, जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी है, ही इज मोर यू नो बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली, उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए, आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेट्स किए जाए, यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ईडी का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट, हमारे जो मौलवी है उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। फिक्सर हियर, कोई नहीं का डीजी हमारे पास, यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया, यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था, उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है, अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला, मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजकुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए, वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद दिनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबोते पे खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइंड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने के, पर कोई पूछताछ ही नहीं, कोई बात ही नहीं, उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए दुनिया से, या जेलों में आपके बंद है। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ की, यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जहां वहां क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं, सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहां जो एलजी साहब है, कि यहां पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं, और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए,
इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जो यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल।